गुलबर्गा शहर में आरटीओ ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस ने हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर सरप्राइज विजिट कर 100 से ज्यादा ऑटो रिक्शा पर फाइन लगाया और 30 से ज्यादा ऑटो रिक्शा को सीज किया है। इस मौके पर आरटीओ ऑफिसर ने कहा, गुलबर्गा शहर में ऐसे कई ऑटो रिक्शा हैं जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। शिकायत मिलने पर आरटीओ ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस टीम ने सुबह 7 बजे हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर सरप्राइज विजिट किया और 500 के करीब ऑटो रिक्शा की चेकिंग की है, जिसमें 100 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और 30 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स बिना परमिट के ऑटो चला रहे थे। दरअसल एक दिन पहले ऑटो ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर हरासमेंट कर रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा फाइन लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। बदले में आरटीओ ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस टीम ने सरप्राइज विजिट कर ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ ये एक्शन लिया है। इस हरकत के बाद कई ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर आरटीओ ऑफिसर्स का क्या कहना है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। जी अभी क्या है, बहुत सारे दिनों से, मतलब कई दिनों से हम तो फ्रीक्वेंट चेक करते रहते हैं। आज जो सरप्राइज चेक जो पुलिस के साथ जो हमने किया, वो जो चेक किए इस वजह से कि सारे ये लारे या ऑटो रिक्शा मालिक जो एसोसिएशन जो है, प्लस जो पब्लिक से तो जो एक्सेस डिमांड फेयर करते और मालिक जो एसोसिएशन वाले जो बगैर परमिट के गाड़ियाँ चल रहे हैं बोल के ऑटो रिक्शा के जो हैं, ये तमाम कंप्लेंट्स हमें बहुत रिसीव किए थे। तो बहुत सारे दिनों से हम जाके फ्रीक्वेंट हमारे चेकिंग के अंदर, फ्रीक्वेंट हमारे आरटीओ की चेकिंग के अंदर जब चेक करते थे तो हम उतना अवेयरनेस नहीं क्रिएट हुआ था। तो अब ऐसा वक्त ऐसा आया कि इनके इरेगुलरिटीज बहुत हो गए ऑटो रिक्शा के। तो जब पुलिस से हम मदद भी मांगी, पुलिस वाले भी हमारे ऐसे दोनों मिलके हम सरप्राइज आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो ट्रैफिक के हैं सुधा मैडम, प्लस जो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर हैं जो अमरीश और जो शांतिनाथ और एक पीएसए मैडम थे और एक फातिमा बोल के और एक पीएसए थे और एक 25 पुलिस स्टाफ प्लस हमारी स्टाफ प्लस हमारे प्रभाकर चौहान साहब जो इंस्पेक्टर हैं और मैं जो ही सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, तो तमाम हम मिलके आज सरप्राइज विजिट हम वो जो हुमनाबाद रिंग रोड पे हम सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक हम एक सरप्राइज चेक किए। उस सरप्राइज चेक के अंदर एक मोर देन 500 ऑटो रिक्शा चेक किए। 500 ऑटो रिक्शा चेक करने के अंदर या करीब एक 30 ऑटो रिक्शा के हमने बगैर परमिट के गाड़ियां मिले सो है वो हम ला के इधर सीज करे सो है हमारे ट्रैक के अंदर अलॉन्ग विद पुलिस ऑफिशल्स के मदद के साथ, प्लस एक 100 केसेस हम ओवरऑल हम ऐसे ही लिखे सो है जिसके अंदर वायलेशंस हैं, जिसके अंदर एमिशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके अंदर किसका कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं रहता है और जिसका एमिशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर इंश्योरेंस, ये तमाम इरेगुलरिटीज हैं। और कई पैसेंजर्स के ये ओवरऑल हम स्टेटमेंट भी लिए कि ये एक्सेस डिमांड मांग रहे, तो वैसे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने के लिए ये एक हमारा एक सरप्राइज चेक हुआ। वही वो परमिट जो परमिट नहीं है वो लोगों को लेकर आकर के हम जो हमारे इसके अंदर जो डिफेक्ट जो निकले वो लोगों को हम ला करके इधर हम सीज करे सो है। 100% हम तो अभी उसी के कार्रवाई में हम उतरे सो है अब वो काम करने के लिए। अगर हम मिल गए वो वैसे व्हीकल्स हमें मिले डबल नंबर प्लेट के, बाकी हम ला करके उसको सीज करते और उसके ऊपर 420 केसेस, चीटिंग केसेस जो पुलिस केस का FIR भी होता है और हमारा केस भी होता है, दोनों का केस होता है, इसीलिए हम पुलिस और हम दोनों मिलकर काम करते जी। आज लगभग हम केसेस बुक करे सो है 100 केसेस, उसके अंदर 30 ऑटो रिक्शा, 35 ऑटो रिक्शा सीज करे सो है जो हमारे ट्रैक के अंदर है अभी फिलहाल।